हिस्ट्री एंड सिस्टम ऑफ साइकोलॉजी से रिलेटेड ये दूसरी क्लास है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस, इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस, जिसके लिए आपके रिक्वेस्ट आए थे कि सर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस प्रोवाइड किए जाएं हिस्ट्री एंड सिस्टम से रिलेटेड। तो लास्ट वीडियो में हमने 20 क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए थे और इस वीडियो में हम आगे के 20 या 30 क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। हमारा पहला क्वेश्चन है, हार्वे कॉर को प्रकारवाद का एक डैश डैश माना गया है। तो हार्वे कॉर प्रकारवाद यानी फंक्शनलिज्म के संस्थापक में से एक माने जाते हैं, मतलब उन्हें इसका डेवलपर माना जाता है। हार्वे कॉर को डेवलपर कह सकते हैं या संस्थापक भी कहा जा सकता है, कई बार उनको संस्थापक की कैटेगरी में भी रखा जाता है, बट यहाँ पर हम इन्हें डेवलपर टिक करेंगे क्योंकि फंक्शनलिज्म की जो स्थापना हुई थी वो एक्चुअली हुई थी जेम्स, विलियम जेम्स के विचारों से। उसके बाद इसमें एंजल कार ये सारे लोग मिलके यहाँ पर काफी काम किए थे। तो हार्वे कॉर विकासकर्ता या डेवलपर के रूप में देखे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी हार्वे कॉर से रिलेटेड है। हार्वे कॉर के अनुसार मनोविज्ञान का अध्ययन विषय है। हार्वे कॉर के अनुसार मनोविज्ञान का अध्ययन विषय है। तो इनके अनुसार मनोविज्ञान का अध्ययन विषय है एडॉप्टिव बिहेवियर, अनुकूली व्यवहार। नेक्स्ट क्वेश्चन, हार्वे कॉर के अनुसार अनुकूली व्यवहार के कुछ निश्चित विशेषताएं होती हैं। निम्नांकित में से किसे इन विशेषताओं में शामिल नहीं किया जा सकता? हार्वे कॉर के अनुसार अनुकूली व्यवहार की कुछ निश्चित विशेषताएं होती हैं, निम्नांकित में से किसे इन विशेषताओं में शामिल नहीं किया जा सकता? तो यहां पर हमारा राइट आंसर है पेशीय उद्दीपक, मोटर स्टिमुलस को हम इसमें शामिल नहीं करते हैं अकॉर्डिंग टू हार्वे कॉर। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24, जब कोई प्यासा व्यक्ति पानी के पास पहुंचता है तो वह उसे पीता है और संतुष्ट होता है। इस उदाहरण में हार्वे कॉर के अनुसार संतुष्ट को कहा जाएगा। तो इस उदाहरण में हार्वे के अनुसार हम संतुष्टि को अनुकूली व्यवहार कहेंगे। अगला क्वेश्चन भी हार्वे कॉर से रिलेटेड है। हार्वे कॉर के अनुसार अनुकूली व्यवहार के कुछ परिणाम होते हैं, निम्नांकित में से किस परिणाम को सबसे अधिक महत्वपूर्ण बताया गया है? तो हार्वे कॉर के अनुसार सबसे अधिक महत्वपूर्ण बताया गया है सेटिस्फैक्शन इफेक्ट को। देन बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 26, निम्नांकित में से किस मनोवैज्ञानिक ने इस बात पर सर्वाधिक बल डाला कि मनोविज्ञान में किसी भी तरह के ज्ञान की वैधता उसके मूल्य तथा उपयोगिता के रूप में आंकना चाहिए? निम्नांकित में से किस मनोवैज्ञानिक ने इस बात पर बल डाला कि मनोविज्ञान में किसी भी तरह के ज्ञान यानी नॉलेज की जो वैधता है, जो वैलिडिटी है, उसके मूल्य या उपयोगिता के रूप में आंकना चाहिए? तो इस पर जो काम किया था वो किया था विलियम जेम्स ने। इन्होंने चेतना की उपयोगिता की भी बात की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रकारवाद फंक्शनलिज्म की स्थापना के पीछे महत्वपूर्ण पूर्ववर्ती कारक के रूप में निम्नांकित में से किस एक को सबसे प्रधान माना गया है? प्रकारवाद की स्थापना के पीछे महत्वपूर्ण पूर्ववर्ती कारकों के रूप में, तो जैसा कि अभी मैंने बात किया था कि विलियम जेम्स के विचारों को लिया गया था, तो यहाँ पर जो विलियम जेम्स के योगदान है उनको सबसे महत्वपूर्ण माना गया है, तो आप ऑप्शन ए को टिक करेंगे। क्वेश्चन नंबर 28, मनोविज्ञान के प्रसिद्ध इतिहासकार बोरिंग विलियम जेम्स की सफलता के 3 महत्वपूर्ण कारण बतलाए हैं। मनोविज्ञान के सबसे प्रसिद्ध इतिहासकार बोरिंग
विलियम जेम्स की सफलता के सबसे तीन महत्वपूर्ण कारण बताते हैं। निम्नांकित में से किसे इन तीन कारणों से अलग रखा जा सकता है? तो इसके अंतर्गत हम विलियम जेम्स एक परिणामवादी थे, विलियम जेम्स एक परिणामवादी थे, इसको हम इसमें नहीं शामिल कर सकते। तो आपका ऑप्शन ए यहां पर टिक होगा। क्वेश्चन नंबर 29, मनोविज्ञान का एक स्कूल एक ऐसा स्कूल जो दो प्रश्नों अर्थात व्यक्ति क्या करता है और वह क्यों करता है का क्रमबद्ध उत्तर देता है। तो ये दिया जाता है प्रकार्यवाद के द्वारा। आपका ऑप्शन खा यहां पर सही होगा, प्रकार्यवाद के द्वारा इसका उत्तर दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 30, शिकागो विश्वविद्यालय में प्रकार्यवाद की स्थापना की गई, शिकागो विश्वविद्यालय में प्रकार्यवाद की स्थापना की गई और किसने किया? तो इसको किया गया था आपका जेम्स रॉल्ड एंजल के द्वारा तथा जॉन डेवी। लेकिन अगर आप देखेंगे तो कई बुक्स में एंजल, डेवी, इसके साथ साथ कार का भी नाम उसमें जुड़ा रहता है, लेकिन यहाँ पर मेनली देखा जाए तो एंजल और डेवी मेन है। तो आप ऑप्शन बी को टिक करेंगे यानी ऑप्शन खा को टिक करेंगे। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 31, कोलंबिया विश्वविद्यालय में प्रकारवाद को लाने का श्रेय किन्हें दिया गया? कोलंबिया विश्वविद्यालय की बात करें तो यहाँ पर हम बात करें तो इसमें जो वुडवर्थ थे, वुडवर्थ ने प्रकारवाद को यहाँ पर लाने का कार्य किया। तो आप ऑप्शन ए को टिक करेंगे। क्वेश्चन नंबर 32, विलियम वुंट के अनुसार मनोविज्ञान में अध्ययन किया जाता है, विलियम वुंट के अनुसार मनोविज्ञान में अध्ययन किया जाता है। तो इसका राइट आंसर है इमीडिएट एक्सपीरियंस का, विलहेम वुंट ने इमीडिएट एक्सपीरियंस को मेन माना था। तो आप ऑप्शन ए को टिक करेंगे। क्वेश्चन नंबर 34 की बात करते हैं, नहीं 33 की बात करते हैं। वुंट के अनुसार चेतन अनुभूतियों कॉन्शियस एक्सपीरियंस के दो प्रमुख तत्व हैं। ये आप सभी को पता होगा, आपने ये बीए फर्स्ट ईयर में ही पढ़ा होगा। वुंट के अनुसार चेतन अनुभूतियों के दो प्रमुख तत्व कौन कौन से होते हैं? तो इसमें हम देखें तो यहाँ पर जो आपका राइट आंसर होगा वो होगा सेंसेशन एंड फीलिंग। कहीं कहीं पर जगह इसको सेंसेशन एंड अफेक्शन करके भी बोला जाता है। तो आपका यहाँ पर ए सही होगा, सेंसेशन एंड फीलिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 34, विलियम फुंट ने यह भी स्पष्ट किया कि जब कई तरह की संवेदनाएं आपस में मिल जाती हैं तो इससे क्या होता है? तो जब कई तरह की संवेदनाएं आपस में मिल जाती हैं तो इससे प्रतिमा की उत्पत्ति होती है, इमेज की उत्पत्ति होती है। देखें तो यहाँ पर दोनों को मिला दिया जाए, सेंसेशन फीलिंग और इमेज। तो इसको शॉर्ट फॉर्म में कई बार हम मतलब यहाँ पर अगर भाव को हम अफेक्शन से जोड़े तो इसको हम विलियम इस उनका आई ए एस से डिनोट करते हैं, आई से इमेज, ए से अफेक्शन और एस से सेंसेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 35, मनोविज्ञान में संरचनावाद की स्थापना कौन किया था? तो अगर हम मनोविज्ञान के संस्थापक की बात करें तो ये विलियम वुंट के शिष्य एडवर्ड टिशनर ने किया था। क्वेश्चन नंबर 36, उद्दीपक त्रुटि स्टिमुलस एरर के संप्रत्यय का विकास किसने किया? तो उद्दीपक त्रुटि के संप्रत्यय का विकास भी टिशनर के द्वारा ही, एडवर्ड टिशनर के द्वारा किया गया था। क्वेश्चन नंबर 37, मनोविज्ञान के इतिहास में प्रकार्यवाद का अग्रगामी किसे कहा गया है? मनोविज्ञान के इतिहास में प्रकार्यवाद का अग्रगामी, तो इसमें हम विलियम जेम्स को जानते हैं, विलियम जेम्स इसके अग्रगामी थे। क्वेश्चन नंबर 38, विलियम जेम्स ने चेतना के स्रोत स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस के तहत चेतना के कई विशेषताओं पर प्रकाश डाला, निम्नांकित में से किसे इन विशेषताओं की सूची में नहीं रखा जा सकता? विलियम जेम्स ने चेतना के स्रोत
के तहत चेतना के कई विशेषताओं पर प्रकाश डाला। निम्नांकित में से किसे इन विशेषताओं की सूची में नहीं रखा जा सकता? तो यहां पर आपका राइट आंसर है चेतना की चयनात्मकता नहीं होती है। चेतना की चयनात्मकता नहीं होती है, इसको हम इसमें नहीं रख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 39, निम्नांकित में से किसे अधिकतर मनोवैज्ञानिक द्वारा प्रकार्यवाद का एक गंभीर दोष माना गया? निम्नांकित में से किसे मनोवैज्ञानिकों द्वारा प्रकार्यवाद का एक गंभीर दोष माना गया? तो इसमें हम बात करें तो प्रकार्यवाद ने प्रकार फंक्शन पद का अर्थ स्पष्ट कभी नहीं किया, इसे हम इसका दोष मान सकते हैं। देन आज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 40, किस मनोवैज्ञानिक द्वारा इस बात पर बल डाला गया कि मनोविज्ञान का संबंध व्यवहारों के मात्र प्रेक्षण से नहीं बल्कि इस बात से भी है कि व्यवहार उत्पन्न होने के पीछे छिपे बल क्या हैं? तो इस बात पर सबसे अधिक कार्य किया था वुडवर्थ ने, आरएस वुडवर्थ ने। तो आपका ऑप्शन खा यहाँ पर सही होगा। तो इसके साथ ये वीडियो यहीं पर समाप्त होती है। नेक्स्ट वीडियो में हम अगले पार्ट की तरफ बात करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। आपके इस चैनल पर अब तक सोशल साइकोलॉजी, समाज मनोविज्ञान, साइकोपैथोलॉजी या मनोरोग विज्ञान, बेसिक साइकोलॉजिकल प्रोसेस, सांख्यिकी, स्टेटिस्टिक्स, रिसर्च मेथोलॉजी, शोध अनुसंधान, इन सभी से संबंधित नोट्स के वीडियोस अवेलेबल हैं। इनके साथ साथ MCQ टाइप क्वेश्चंस भी, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी, जिसमें सोशल साइकोलॉजी से रिलेटेड, एबनॉर्मल साइकोलॉजी से रिलेटेड, पर्सनालिटी एंड मेंटल टेस्ट से रिलेटेड, स्टेटिस्टिक्स सांख्यिकी से संबंधित, रिसर्च यानी शोध से संबंधित, गाइडेंस काउंसलिंग परामर्शन एवं निर्देशन से संबंधित, इन्वायरमेंटल साइकोलॉजी और लास्ट में साइकोलॉजी प्रैक्टिकल से संबंधित कंप्लीट वीडियोस चैनल पर मिल जाएंगे। आपको इन वीडियोस के लिए सिर्फ यहां पर जो आपका वीडियो के नीचे टाइटल है, टाइटल के सामने आपको डिस्क्रिप्शन का एरो दिख रहा है, इस एरो पर आप क्लिक करेंगे, नीचे आपको सभी प्लेलिस्ट के लिंक प्रोवाइड हैं।